किस बात की तलाशी ली जा रही है यहाँ पर? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसने व्यास जी और जैन पर हमला किया था वो आदमी अभी इसी घर में है। चलो इंस्पेक्टर साहब। निखिल, ये कमरा किसका है? मेरा और नील का कमरा है। तलाशी लो। चाहत, तुम दिल छोटा मत करो, हम सब तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर उस औरत को पकड़ लेंगे। पहली बार मैं अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रही हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर मैं नील को भी गुना नहीं साबित कर पाई, नहीं, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी भी नहीं। चल। अब अगर चाहत इस तरह हार मान जाएगी तो हम नील बेची को बेगुनाह कैसे साबित कर पाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नवेली जी, ये सब नील आपको रिहा करवाने के लिए उस औरत तक पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस औरत को कैसे ढूंढूं। ये तो वही वादे हैं जो नवेली और बुबू भैया की शादी के लिए नील ने मेरे लिए लिखे थे। अरे यहाँ बीवी भाव भी नहीं दे रही है और मैं सोच रहा हूँ बीवी के लिए वचन क्या लिखूं मैं। आपने अभी तक वचन नहीं लिखे? नहीं। हाँ, मैंने तो लिख भी दिए। भयंकर, तुमने लिख दिए? हाँ। तो सुनाओ मुझे। ओ हेलो, मैं क्यों सुनाऊँ आपको अपने वचन? प्लीज सुनाओ। मैं प्लीज सुनाओ ना, मुझे ना वो इंस्पिरेशन मिलेगी। प्लीज 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 प्लीज। ठीक है पापा। हद से तुम्हारा हर सपना मेरा भी सपना होगा चाहूंगा चाहूंगा चाहूंगा। सारे सपनों को मिलकर मिलकर पूरा करेंगे। याद है तुम्हें जब तुम नई नई इस घर में आई थी तो मैंने कैसा बर्ताव किया था तुम्हारे साथ? उसके लिए मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आज मैं वादा करता हूँ कि इस रिश्ते में प्यार से पहले इज्जत होगी। मेरा तीसरा वादा ये है कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। बूढ़े होंगे और श्लोक दुआ के बच्चों के साथ खेलने के बाद ही मरेंगे। ब्लड प्रेशर की, शुगर की, दिमाग की, घुटने की। अरे बुढ़िया, तेरी शादी है क्या जो गोलियां नहीं खा रही? नहीं खानी मुझे सब दवाई, मुझे गुलाब जामुन खानी है। खाओ गोलियां। इतने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों लड़ते हुए। तुम देखना जब हम बुड्ढे होंगे ना हमारी हड्डियां भी ऐसी हाथापाई करते हुए टूटेंगी। या अल्लाह। नौटी भैंस, कितना ठूसोगी? किसी दिन मेरे ऊपर गिर विर गई ना, भगवान को प्यारा हो जाऊंगा मैं। शर्म कीजिए, अपनी शरीके हयात के निवालों की गिनती रखते हैं। इन बच्चे ही कितने हैं तुम्हारे मुगले आजम, गिनती रखेंगे। अपने पोटैटो चिप्स की हिफाजत तो इनकी नजरों से करनी होगी। आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए।
चाहत मेरा चश्मा दे दो, नहीं तो तुम्हारी सौतन को ले आऊंगा मैं। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे सजाए हुए बुड्ढे के पीछे लाइनें लगी है मोहतरमाओं की। चाहत कमर तोड़ दी मेरी, मार डाला मुझे, जान ले ली मेरी। इन वादों को साथ जीने के लिए मुझे कुछ भी करके आपको जेल से बाहर वापस लाना होगा, ये मेरा वादा है आपसे। अभी तक सोए नहीं? हे भोलेनाथ, जल्दी से आप हमारे बाबा को वापस ले आओ। अल्लाह मियां, प्लीज मेरे अब्बू को वापस भेज दीजिए। आपको पता है जिस तरह मिस मैरी हमसे गुस्सा हो जाती थी तो हम लोग 100 times होमवर्क करके लेके जाते थे और फिर उनका गुस्सा भाग जाता था, उसी तरह अल्लाह मियां हमसे नाराज है, इसीलिए अल्लाह मियां ने हमसे हमारे अब्बू को छीन लिया। हम ये प्रार्थना 1000 बार लिख रहे हैं ताकि शिवजी का गुस्सा हम पर खत्म हो जाए और वो जल्द से जल्द बाबा को घर भेज दे। इधर आओ। तुम्हें पता है खुदा कभी अपने बंदों से नाराज नहीं होते और खुदा तुम्हारी ये मेहनत देख रहे हैं, तो देखना वो तुम्हारी ये विश जल्दी पूरी कर देंगे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, तुम दोनों की तरह मुझे भी तुम्हारे बाबा की बहुत याद आ रही है और जब मुझे उनकी याद आती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी आईज क्लोज करती हूँ और उनके साथ बिताया हुआ हर पल उसे याद करती हूँ और फिर मुझे बहुत अच्छा फील होता है। चलो तुम दोनों भी अपनी आईज क्लोज करो। लगी तो नहीं ना? नहीं। तुम क्या कर रहे थे? वो मुझे भी आपकी तरह शक्तिशाली बनना है। इधर आओ तुम। किसने कहा तुमसे कि तुम शक्तिशाली नहीं हो? हाँ, तुम ना अपनी माँ के जैसे भावुक और सेंसिटिव हो, और जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना वो दूसरों का दर्द अच्छे से समझते हैं, तो सेंसिटिव होना कमजोरी नहीं है, स्ट्रेंथ है। तुम बहुत शक्तिशाली हो। ओके सच? जब बाबा मुझसे कसर कराते थे ना, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा ले ना माँ। हटो रास्ते से, हटो। रोजा खोलो, चलो। मैं भी देखती हूँ कैसे जाते हो आप। तुम्हें टाइटैनिक वाला पोज आता है क्या? ये देखिए। सरदार, जल्दी आ। अरे मधुमक्खी फिर से काट लिया। उतर, उतर। आती है तेरे गुस्से की, डाटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह। और जब मैं अब्बू के पास सोती थी ना, तब मैं नींद में उन्हें लात मार के बेड से नीचे गिरा देती थी। और बेचारे अब्बू गार्डन जाके बेंच पे सो जाते थे। देखा कैसे पुराने लम्हों को याद करके तुम दोनों के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ गई। चलो अब जल्दी से सो जाओ, मैं तब तक तुम्हारी ये दुआएं खुदा के कदमों में रख देती हूँ। गुड नाइट बच्चों। गुड नाइट। Thank you.
चाहत अकेले घर पर कैसे मैनेज कर रही होगी? कल से कुछ खाया नहीं है तूने? खा ले वरना मर जाएगा। और वैसे भी जब खुद के बाप को मारने की कोशिश करे, उस आदमी का जिंदे रहने का भी कोई हक नहीं है। और तू ऐसा आदमी है, इसीलिए तो तेरी पत्नी का चक्कर चल रहा था उस जैन के साथ। मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द बोला ना, जान लेने वा तेरी, मैं समझा तू। और इसको धमकी देता है, ये ले खाना है तो खा वरना मर। पता नहीं मेरी चाहत ने खाना खाया या नहीं खाया, मेरे अलग से निवाला कैसे उतर सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम साथ मिलकर डील कर लेंगे। तो आप खाने से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? चलिए खाना खा लीजिए, बैठिए इधर। मुझे इतना पता मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारे होते हुए हमारे परिवार पर कोई आंच नहीं आएगी। खबरदार जो आपने आज के बाद ऐसा कहा तो आप नहीं सुधरने वाले ना। जाइए, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मेरे को बात ही नहीं करनी। चलो मेरे हाथ से खाना खाओ। ना मुझे नहीं खाना। वाओ भयंकर। चाहत, चाहत लास्ट खिड़कियां कैसे खुली छोड़ दी मैंने। बच्चों ने बहुत मेहनत से लिखा है ये, प्लीज उनकी दुआएं कबूल करना अल्लाह मियां। चाहत, चाहत नीचे पुलिस आई है, बोल रहे घर की कुछ तलाशी लेनी है। क्या? चलो नवेली। इंस्पेक्टर साहब, इतना कानून तो हमें भी पता है कि बिना वारंट के आप तलाशी नहीं कर सकते। एक तो आपने नील वैजी को बिना वजह से गिरफ्तार कर लिया और अब ये तलाशी। एक मिनट, किस बात की तलाशी ली जा रही है यहाँ पर? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिसने व्यास जी और जैन पर हमला किया था वो आदमी अभी इसी घर में है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने जैन और बाबा पर हमला किया वो कोई औरत है।
आदमी नहीं, और इस घर में जितनी भी औरतें हैं वो सब व्यास जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप प्लीज जा सकते हैं। वो तो तब पता चलेगा जब हम पूरी तलाशी ले चुके होंगे। चलो तलाशी करते हैं। चलो इंस्पेक्टर साहब। निखिल, अभी उस कमरों की तलाशी बची है, चलो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, बस यही कमरा बचा है। ये कमरा किसका है? ये मेरा और नील का कमरा है। चलो तलाशी लो। ट्रेंच कोट, ये तो वही ट्रेंच कोट है जो उस औरत ने पहना था, जो सीसीटीवी में नजर आई थी। हाँ, ये तो वही है। चाहत, इसका मतलब ये सब कुछ तुमने किया है? नहीं, लेकिन ये सामान मेरे कबर्ड में कैसे आया? आप सब लोग प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, ये सामान मेरा नहीं है। मुझे नहीं पता ये सामान मेरे कबर्ड में कैसे आया। इसका फैसला तो अब कोर्ट करेगा, लेकिन फिलहाल ये सबूत आपके खिलाफ है, इसलिए हमने नीलकर दैनी को रिहा कर दिया है। हवा, अब्बू, नीला प्लीज ने समझाइए ना। आप कहिए इनसे कि मैंने कुछ नहीं किया है, वो मेरा सामान नहीं, आप बताइए ना। डायरी, कुछ लिखा है इस पर। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैंने ध्यानी खानदान से अपना बदला पूरा कर लिया है। जिस महंत के घर वालों ने हमारे घर और अस्पताल को जलाया था, आज वो महंत कोमा में है। अफसोस की बात यह है कि मैं उसके बेटे नीलकंठ को भी मौत के घाट उतारना चाहती थी। लेकिन वो खंजर गलती से बेचारे जैन को लग गया। जैन की मौत के इल्जाम में नीलकंठ सजा काट रहा है। आई होप कि बहुत जल्द नीलकंठ को फांसी हो जाए। चाहत, क्या है ये सब? ये मैंने नहीं लिखा। नीला प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए, ये मैं। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, जिंदगी भर तुम्हारे लिए अपने समाज वालों से, अपने परिवार वालों से लड़ा, उसके बदले में तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत चाहत।